रे जैसे तीन सो साठ आटे में अच्छा और रहते दूरियों धन की तेरे जैसे तीन सो तेरे जैसे तीन सो सात हो मत खोले भरम की गाथ नाट के तू बात करे अनपढ़ की तेरा जैसे तीन सो सरपंच बन के करने को आया पंचायत कौरवों की कौरवों की काट करता पांडवों का पाक से पात कौरवों की काट करता पांडवों का पाक से पात अरे झूठा जा उभरता नहीं मेरे लेके एक हो मैं पक्षपात करता नहीं बटे है जरूर जग में भाई बाट्या मरता नहीं बटे है जरूर जग में भाई बाट्या मरता नहीं हो तू भी करके देख इंसान आपकी क्या गति रे बतावे मन की तेरे जैसे तीन सो भग रहे हो दुर्योधन दुर्योधन ने कभी दबा नहीं तोला है महाराज कृष्ण जी दबा नहीं तोल सकता ये दुर्योधन दबा तोलने वाली तो कोई बात ही नहीं हुई दुर्योधन और दुर्योधन ने जो बात कह दी वो सत्य है उससे पीछे नहीं हटेगा ये दुर्योधन सत्य तो जैसा सत्यधारी है वैसा हमें पता अच्छा सत्यधारी होता तो पांडवों को उनका राजपाट दे देता अच्छा 13 साल उन्होंने पूरे कर लिए हैं 13 साल पूरे नहीं हुए हैं आप कुछ भी कहो पर लेकिन ये दुर्योधन नहीं मानेगा तेरे गणित के हिसाब से 13 साल जिंदगी भी पूरे नहीं होंगे पांडवों पे अच्छा क्योंकि तेरा जो गणित है ना वो दूसरे तरीका का है वो उल्टी तरफ से चलता है अच्छा हाँ मैं अपने गणित के हिसाब से चलूंगा मैं किसी की बात नहीं मानता कृष्ण जी अच्छा हाँ ये रत्ता पा नहीं
राजा कह सोर बांट दूंगा ढेरी तू भी लगा लिए छिके है चोर। राज है हमारा हम मेरे ताजी पर लग रही मोहरे। राज है हमारा हम मेरे ताजी पर लग रही मोहरे। अरे नाश की लोभ मन में डूबेगी जरूर एक दिन तृष्णा जो लागी तन में। पांडवों न भूखे मर के 13 साल काटे वन में। पांडवों न भूखे मर के 13 साल काटे वन में। हो मिले पूरी शरत तेरा आज तू बात करे उलझन की। तेरे जैसे 300 साल। जुआ खेला पांडवों ने, जुए में हारे पांडव और बनवास 1 साल अज्ञातवास जो पांडवों ने काटे। ये तो अभी एक छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर वो फिल्म दिखानी तो आपको बाकी है। कृष्ण जी आप उनके हिमायती बनकर के पंचायत में, ये दुर्योधन की पंचायत में आ तो पहुंचे हैं, पर लेकिन आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि ये दुर्योधन कितना हटीला है, अपनी जुबान का कितना पायबंद है। ये कह रहा है दादाजी ये तो छोटी सी फिल्म थी, अभी बड़ी फिल्म दिखाऊंगा। हाँ ये ट्रेलर था तेरा, ट्रेलर था, लेकिन मेरी बात को गौर से सुन ले दुर्योधन। ये ट्रेलर ऐसा ना हो कि तेरा लास्ट ट्रेलर बन के रह जा। अरे क्या बात कर रहे हो कृष्ण जी। अरे हाँ कह दे। सीने दो तुझे क्या सबा सहरी को कसम खा यकीने दो। सुई में हो छेद जितना इतनी ना जमीने दो। सुई में हो छेद जितना इतनी ना जमीने दो। अरे हट धर्मी न छोड़ दे तू, तेरा भला कर दे राम। आत्मा में रहम कर ले मिटना दया का धाम। धिंगी से न मांगे दे रे खुशामंद से 5 काम। धिंगी से न मांगे दे खुशामंद से 5 काम। हो मैं भी कहता हूँ कर जोड़ रे हाँ जोड़ रे। कहता हूँ बात ना एक सुनी किरसने की। जैसे 300 साल हट धर्मी ने छोड़ दे तू, तेरा भला कर दे राम। आत्मा में रहम कर ले मिटना दया का दाम। और दिंगी से ना मांगे दे देखो सामन से 5 का। अच्छा मैं भी कहता हूं कर जोड़, छोड़ दे हट तू पागलपन की, इस पागलपन की हट को छोड़ दे।
दुर्योधन मेरी बात को समझ ले। कृष्ण जी मेरी एक बात समझ में आती है, आप पांडवों के पक्षपाती हो, पांडवों की तरफ से आए हो, युद्ध तो करना उसके बस की है नहीं, पांडवों के बस की युद्ध करना नहीं है। मेरी एक समझ में आती है कि उनको एक कटोरा दे करके किसी चौराहे पे खड़ा कर दो, क्योंकि मांगने का काम तो भिखारी किया करते हैं। तुझे इतना ही पता है अभी कि मांगने का काम भिखारी करते हैं। हाँ। तुझे इतना पता नहीं है कि जिस पेड़ पर फल लगते हैं वो पेड़ झुकता है। अच्छा, वो पेड़ हमेशा नीचे की तरफ झुकता है दादाजी। जो संस्कारी और मान वाला आदमी होगा वो नीचे झुकेगा, और जो तेरी तरह होगा ना हट्टी और पागलपन की तरह हटीला जो होगा वो सीधा खड़ा रहेगा, वो कभी झुक नहीं सकता। मेरे वजन की शायद कृष्ण जी आपको पता नहीं है। जिसमें वजन होता है वही झुकता है। मेरे वजन की कृष्ण जी आपको शायद पता नहीं है, 100 भाई तो मेरे पीछे बैठे हैं, पिता में भीष्म भी मेरी पंचायत में है, एक से एक योद्धा महायोद्धा मेरी पंचायत में बैठे हैं, सारे मेरे अपने हैं, और 100 भाई को लेकर के बैठा हूं। फिर आप वजन की बात करते हो, 5 पांडवों से वजन तोलते हो मेरा। और हमारे आदरणीय बाबूजी कैप्टन साहब बहुत इनाम दे चुके हैं, 100 रुपए फिर दे रहे हैं, और हमारे भाई जी उन्होंने भी 50 रुपए का सम्मान दिया, और हमारे गोपी राम जी हमारे दादाजी उनकी तरफ से भी 50 रुपए का सम्मान दिया गया है, और हमारे बाबा देशराज मास्टर जी जो ज्ञान बांटते हैं और यहां भी ज्ञान को समेट रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारी तरफ से जो भी गाया जा रहा है उनको बहुत गौर से सुन रहे हैं, मास्टर जी का भी धन्यवाद करते हैं। अंतिम कली के अंदर साथियों किस तरह से श्री कृष्ण जी समझाते हैं दुर्योधन को, क्या बता रहे हैं। काम जग में आदमी अपाज करे, रण में जाक जीत वो ही हसनापुर पे राज करे, रण में जाक जीत वो ही हसनापुर पे राज करे। अरे दुर्योधन जमान कहे की, दुर्योधन जमान कहे की, सर पे दर्जा का बदनामी। अच्छा, लड्डन सिंह, अरे लड्डन सिंह राजबल कह एक जगत में मिसाल नामी, जबकि तनकी मौत आवे भागे गांव के सामी, जबकि तनकी मौत आवे भागे है गांव के सामी। हो कही आधीनी के साथ रे, हो साथ रे कही आधीनी के साथ, बात ना एक सुनी रे कृष्ण की, जैसे तीन सो साल मत खोले भरम की गाठ, नाट के तू बात करे आन बन की, तेरे जैसे तीन सो सा